अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात नहम यानी नवी जमात की मराठी कंपोजिट संत वानी अनाथा चनाद इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं संत वानी अनाथा चनाद प्रश्न उत्तर। खालील आकृति बंद पूर्ण करना संत निर्मळा यानी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे। संत निर्मळा यांचे परमेश्वराकडे मागणे। संत निर्मळा यांनी परमेश्वराकडे केलेला हट्ट। पहिले का उत्तर है परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे, नाथ आणि कृपावंत। उसके बाद का दूसरे का जवाब है सत्यदेवाची सेवा घडो, पतितांना पावन करण्याची प्रीत माझ्यासाठी पाडावे ही त्यांची हट्ट होती। संत निर्मळा यांनी पांडुरंगाचे खालील बाबतीचे बाबतीत केलेले वर्णन। कुठे उभा आहे, किती काळ उभा आहे, वाम भागी कोण आहे, नाते संबंध सांगणारा संत निर्मळा संत चोख मेळा, पंढरीचा पांडुरंग संत निर्मळा आणि पंढरीचा पांडुरंग रुक्मा देवी, यांचे नाते संबंध लिखना है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। संत निर्मळाचे वर्णन, पहले का उत्तर है विठेवर, दूसरे का किती युगे हुए 28 युगे आणि रुक्मा देवी। प्रश्न तीसरे का नाते संबंध, पहले का क्या है बहीन भाव, दूसरा देव भक्त आणि तीसरा पति पत्नी। प्रश्न चौथा स्वमत, संत निर्मळा यांच्या परमेश्वराविषयी भक्तिभाव तुमच्या शब्दांत लिहा। परमेश्वराला अनाथाचा नाथ व पतित पावन असे का म्हटले असावे त्याविषयीचे तुमचे मत लिहा। तुमच्या आवडीच्या संताविषयी थोडक्यात माहिती लिहा। पहिले का उत्तर देखते हैं। संत निर्मळा ह्या चोखोबांच्या धाकट्या बहिणी होत्या। परमेश्वराविषयी त्यांच्या मनात खूप श्रद्धा होती। पांडुरंगाच्या प्रेमात गुरफटलेल्या होत्या, म्हणून पांडुरंगाची सेवा रात्रदिवस आपल्या हातून घडावी एवढी एकच ओढ त्यांना होती। ती ओढ त्यांच्या अभंगातून प्रकट होते। राक्षसी वृत्तीच्या लोकांचा नाश करणाऱ्या देवाची ब्रीदावडी नेहमी गाजत राहो अशी त्यांची इच्छा होती। अनेक वेळा त्या देवापाशी हट्टही धरतात, परमेश्वर माझा हट्ट पूर्ण करतो अशी त्यांची पक्की धारणा होती। ये पहले का उत्तर है। संत निर्मळा जो है ये चोखोबा की छोटी बहन है और उनके दिल में परमेश्वर खुदा के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। वो पांडुरंग के प्रेम में प्यार में मशगूल है और पांडुरंग की सुबह शाम दिन रात सेवा करना ही वो अपनी ज़िंदगी का मकसद समझती है और यही उनकी अभंगों से जाहिर होता है। राक्षसी वृत्तीच्या लोकांचा नाश करणाऱ्या देवाची ब्रीदवाणी नेहमी गाजत राहो, यानी राक्षसी लोगों का नाश करने की जो बात है वो हमेशा गाजती रहेगी, बजती रहेगी और ऐसी ही उनकी इच्छा थी। अनेक वेळा त्या देवापाशी हट्ट धरतात और वो हमेशा खुदा के पास जिद करते हैं और उन्हें इस बात का पक्का यकीन है कि खुदा उनकी जिद पूरी करता है। दूसरे का उत्तर है अनाथ गरीब दुख पीड़ितांना मदद करणारा परमेश्वर असतो। अब इसमें क्या है, अनाथ यानी यतीम गरीब और दुख पीड़ित को मदद करने वाला कौन है, परमेश्वर है। म्हणून आजारी असला किंवा दुःखाने ग्रासलेला असला की मानव सत्य परमेश्वराचे नाम स्मरण करत असतो। इसीलिए जब बीमार होगा या दुखी होगा तो हमेशा इंसान क्या करता है, खुदा का याद करता है, स्मरण करता है। दुख पीड़ितांचे दुख दूर कर तो, जो दुखी होते हैं उनका दुख दूर करता है। निराश्रितांना आश्रय देतो, जिनको जो निराश्रित है जिनको कोई आसरा नहीं है उन्हें आसरा देता है। म्हणून संत निर्मळा यानी परमेश्वराला अनाथाचा नाथ असे म्हटले आहे। इसीलिए संत निर्मळाने
परमेश्वर को खुदा को अनाथा का नाथ यानी यतीमों का बाप कहा है। तसेच अत्याचारी व राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करणारा फक्त परमेश्वर असतो। और यहाँ पर कहता है कि जो अत्याचार करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश खुदा करता है। त्यामुळे अत्याचारी माणसाचा नायनाट होतो, इसीलिए जो अत्याचार जुल्म करने वाले लोग हैं उनका खात्मा होता है। त्यावेळी परमेश्वराचा जय जयकार होतो, और जब खुदा का जय जयकार होता है म्हणून संत निर्मळा यांनी परमेश्वराला पतित पावन असे म्हटले आहे। इसीलिए संत निर्मळा ने परमेश्वर को पतित पावन कहा है। तेव्हा परमेश्वर अशा गांजलेल्या आजारी माणसाचे दुःख दूर करतो, त्यांच्यावर मायेचा हात फिरवतो। इसीलिए खुदा क्या करता है, बीमार लोगों के दुख दूर करता है और अपने रहम का साया उस पर फिराता है। तीसरे का उत्तर है, माझे आवडते संत म्हणजे चोखोबा। मेरे पसंदीदा संत जो है वो चोखोबा है। नामदेवांच्या संत मेळ्यातील एक संत, वो नामदेव के संत मेळो में से एक संत है। मेहुनपुरी या गावाशी त्यांचा जन्म झाला। मेहुनपुरी या गाँव को उनका जन्म हुआ। त्यांच्या अभंगातून हृदयाचे कारुण्य प्रकट होते। उनके अभंग से दिल के दर्द जाहिर होता है। सामाजिक विषमतेबाबत त्यांनी खंती वाटते। जो समाज में भेदभाव है उसमें उससे उनका दिल दुखता है। ते जाति ने महार होते, वो जात के महार थे। संत नामदेव हुए त्यांचे गुरु होते। संत नामदेव ये उनके गुरु थे। दरड़ को सोड़ून त्यांचा मृत्यु झाला, यानी जमीन खिसकने से उनकी मौत हो गई थी। त्यांच्या हाडातून विठ्ठल नामाचा गजर ऐकू येत होता, और उनके जिस्म से हमेशा विठ्ठल के नाम की ऐलान होता हुआ सुनाई देता। या वरुण नामदेवानी चोखोबा से हाड़े ओढ़कले, और इसी से नामदेव ने चोखोबा के जिस्म को पहचाना। ती घोड़ा के लिए उसे जमा किया। पंढरपूरला विठ्ठलाच्या मंदिरासमोर त्यांची समाधी बांधली, और पंढरपूर को विठ्ठल के मंदिर के सामने उनकी समाधि बनाई। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।